पीलीभीत के थाना माधवतांडा में फिर एक किसान को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। युवक पीलीभीत से संदई हॉल्ट से निकट जंगल में लकड़ी बीनने गया था, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने युवक पर हमला बोल दिया। मौके पर ही बाघ ने एक और युवक पर हमला कर दिया, जो बुरी तरह जख्मी हो गया। आपको बता दें कि मौके पर वन विभाग की टीम समेत पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर शव को ढूंढा गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाघ के मुंह से शव को लाया गया। मैं उस जगह पे जाके वापिस आ गया, लौट के मुझे लकड़ी नहीं मिली, मैं वापिस आ गया, तभी जो उधर को गया वापस। अभी मैं किनारे पर लकड़ी तोड़ी है तो आवाज़ बहुत बिगड़ उधर के आई है, जैसे सुअर डड़कता है या बंदर चिल्लाता है और रीछी जैसी आवाज़ होती है, बहुत सी आवाज़ आई है। तभी मैं 5 फीट पीछे हट के तो मैं चिल्लाया हूँ उसी का नाम लेके। फिर 200 मीटर दूरी पे वो दो गांव वाले थे, वो गांव वाले भी चिल्लाए, मैंने कहा इधर आ जाओ, वो बोले कि इधर आ जाओ शेर है। तब मैं उनके पास गया तो आगे तीन और मिले मुझे गाँव के, तो वो मुझसे बोले कि शेर है इसमें, चल रहे हैं। दो तो चढ़ गए थे पेड़ पर, फिर वो उतर के आए, थोड़ी दूर बढ़े, वो बोले कि हम जा रहे हैं वो हल्ट पर से या कहीं से गांव से 10-20 लोग लेके आना, तब आना यहाँ पे। फिर कैसे पता लगा खत्म हो गया? पहुँचा ही नहीं हल्ट पर, 2 घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुँचा है। फिर मैं ट्रेन से चला गया, फिर मैंने वहाँ खबर करी, फिर मैंने यहाँ फ़ोन लगवाया, पता करी, नहीं आया। तब वो ट्रेन देगी 4 वाली, तब भी नहीं आया, तब गाड़ी लेके इधर को आए। फिर कैसे पता लगा? हमें आवाज़ सुनी थी, हमने आदमी नहीं आया तो काफी देर हो गई, किधर इधर भाग जा, जाए इधर भाग जा, कहीं तो पहुंचेगा। क्या फायरिंग वायरिंग करी नेत्राम छुड़ाने के लिए? हाँ, नेत्राम को फायरिंग छुड़ाने को फायरिंग करी और शोरगुल किया, बहुत मुश्किल से उनकी जान बच पाई, चोटें काफ़ी हैं और मतलब हालत नाजुक है अभी। हाँ, टाइगर रिजर्व में लोग लकड़ी लेने आते हैं, वैसे कोई नहीं जाता है, जो पैसे नहीं देता है उन्हें जो जाने नहीं देते हैं, जंगल वाले संडई हल्ट पे बैठते हैं और वहीं जो पैसे दे देता है जंगल वाले उन्हें भेज देते हैं लकड़ी लेने अंदर जंगल से, और वहीं और कुछ लोग उन पैसे नहीं मिल पाते, फिर दोबारा संडई हल्ट पैसे लेते हैं, जंगल वाले के सहयोग से ही लोग लकड़ी बीनने जाते हैं, और जो सहयोग नहीं करता पैसे नहीं देता है उसे जाने नहीं देते, बाकी लोग पैसे लेके अंदर जंगल में चले जाते हैं लकड़ी लेने, जंगल वालों के सहयोग से ही। ये पीलीभीत का कोई आदमी लकड़ी बीनने गया था, उसको शेर ने मार दिया, चलिए वहाँ मार दिया, उसकी गलती थी भाई, टाइगर रिजर्व में अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की गलती ये है कि जो चौकी पे यहाँ पे लोग हैं उन्होंने, ये लड़का एक नेत्राम है, एक हल्ट पे रहता है, उस आदमी को प्लस कर्नल सिंह और 10-12 लोग इकट्ठे करे कि चलो अंदर शेर ने अटैक कर दिया, बाड़ी देखने चलते हैं। वो लोग बाड़ी देखने गए, हथियार भी साथ में थे, वो बाड़ी देखने गए, उसी समय नेत्राम पे अटैक कर दिया शेर ने, जैसे तैसे उसे सब लोगों ने मिलकर बचाया। जंगल वालों कमी है कि अपने अधिकारियों को खबर करते, पुलिस फोर्स बुलाते, फॉरेस्ट के लोग बुलाते, ये निंदनीय। वहाँ पे बाघ को फायरिंग करेगी, फायरिंग इसलिए करेगी जब नेत्राम को उसने पकड़ लिया तो उसे भागने के लिए फायरिंग की गई, लेकिन सत्यता यही है कि वो तो जो मारा गया वो तो लकड़ी बीन रहा था, लेकिन जो नेत्राम जो इंजर्ड हुआ है वो जंगल वालों की कमजोरी से और कमी से हुआ है, नहीं ले जाना चाहिए उसको अपने साथ। अभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम तब तक नाम नहीं पता था, भहुआ नाम है, पीलीभीत सिविल लाइन का निवासी रामचंद्र नाम है उसका, उसको टाइगर किलिंग में मरने की सूचना पे हम लोग गए और उसकी बॉडी को भी लेके आ रहे हैं। बाकी वन विभाग की टीम यहाँ पे आ चुकी है और शेर नियंत्रण के लिए वन विभाग अपना काम कर रहा है, बाकी जनता के सहयोग से यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है, और एक बॉडी हम लोग ले आए हैं टाइगर के लिए की, और एक घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया। ये मामला है, लोग जंगल लकड़ी बीनने आए थे, ये रामचंद्र नाम इनका, सनाप लक्ष्मण ये रहने वाले पीलीभीत के हैं, उनको टाइगर को द्वारा मार दिया गया है, और दूसरी दुखद घटना हुई, जो लोग ढूंढने गए थे बॉडी, उनके भी एक आदमी को अटैक किया है, वो भी घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये घटना हुई है, हम बता रहे हैं काफी लोग अंदर बड़ी मुश्किल में बाघ से सब लेके आए हैं, किस तरह बाघ से सब लेके आए हैं? देखिए बाघ को थोड़ा कठिनाई जरूर होती है, लेकिन काफी संख्या पब्लिक थे, पुलिस काफी थी, दोनों सीओ लोग थे, पूर्व सीओ काफी संख्या पुलिस थी, तो बड़ी रिकॉर्ड कर ली गई। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 जगह खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हालांकि यहाँ तो अंदर गए थे, तो ऐसे में किस तरह विभाग काम करेगा? देखिए यहाँ घटना अंदर की है, ऐसी कोई बात नहीं है।